Welcome back to Vlog with Sanaya and to a brand new vlog. So this vlog is all about my driving journey. I'm sorry, मेरे मुंह पे अगर light पड़े, that's fairy light का reflection. So yeah, driving, riding, go karting ले लो या फिर jet skiing ले लो, कुछ भी जिसमें driving करना है, riding करना है, has always scared me. मुझे बचपन से इन चीज़ों से बहुत डर लगता था, but last year 2021 में मैंने सोचा कि नहीं, I'm gonna push myself to do this. So if you're somebody who's scared of it, और अगर आपने या फिर गाड़ी चलाना नया नया शुरू किया है, this is gonna help you stay motivated, and if I can do it, you absolutely can do it. So मैंने vlog किया अपना पूरा journey. शुरू ऐसे हुआ था 2021 के end में, we decided to buy a car because it was convenient. Me and my sister, we are proud car owners. हमने 2021 में अपनी सबसे पहली गाड़ी खरीदी. I'm gonna maybe add गाड़ी की pictures here. एंड देन मैंने ड्राइविंग सीखी. आई वॉज द ओनली वन जिसने घर में ड्राइविंग सीखी, एंड माई सिस्टर इज गोना लर्न मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स. बट ड्राइविंग सीखने के बाद मेरे दिमाग में डर था ट्रैफिक को लेके, लोगों को लेकर, गाड़ी चलाने को लेकर, व्हाट इफ आई मेस अप एंड सो मच मोर. इसी वजह से मैंने गाड़ी लेने के बाद उसको लाइक महीने में एक बार निकाला पहले शुरू में, और फिर दो बार किया उसको, महीने में एक बार, फिर महीने में दो बार करने लगी, और तीसरे महीने से मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज आई वॉज मेकिंग छोटे मोटे मिस्टेक्स एंड आई वॉज सो स्केर्ड कि मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी. और मैं हर दिन सोचती थी नीचे गाड़ी खड़ी हुई है एंड आई हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी ऑन इट और हमारे कम्फर्ट के लिए ली, बट आई एम नॉट यूजिंग इट, आई एम नॉट गुड इनफ एंड व्हाट नॉट. और फिर वन फाइन डे आई डिसाइडेड आई एम गोना व्लॉग माय जर्नी, आई एम गोना पुश माय सेल्फ एंड दैट इज ऑल इट इज अबाउट. सो नाउ टेक अ लुक एट द जर्नी एंड आई होप दिस हेल्प्स यू स्टे पॉजिटिव. और अगर कुछ बोलना होगा एंड ऑफ द वीडियो मे बी आई विल से समथिंग. सो एंजॉय द व्लॉग, एंजॉय माय ड्राइविंग जर्नी, आई होप इट हेल्प्स यू स्टे मोटिवेटेड. That's all I wanna do. All right, so it's 4:10 in the morning, and I'm gonna drive today. So I haven't drove for like good 2 to 3 weeks, और पता नहीं मुझे कि बहुत डर लग रहा है, but it's really important that I overcome my fear. So here we start. I am gonna drive today. And I'm gonna try covering ज़्यादा distance because रात का time में roads वगैरह ज़्यादातर खाली होगी. So we're gonna like practice driving अच्छे से. I'm gonna drive for good 1 hour maybe. So here we are at the Sheikh Paid flyover. ये मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर है, so 14 किलोमीटर जाना और वापस आना, और 5 किलोमीटर was the maximum distance जो मैंने इससे पहले कवर किया था. Now it's important, मैंने सबसे पहले ये करना शुरू किया कि मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया. ट्रैफिक कम थी सुबह के टाइम पर लेकर निकली, बट डिस्टेंस आई ट्राइड मेकिंग इट मोर. कैसा दिख रहा बच्चे आपको इतना दूर आके? I feel so proud. It was scary. I thought I couldn't do it. बाजी Sheikh Paid ब्रिज पे आए, इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन थी ये चीज़, लेकिन हिम्मत करके बाजी आए, खुद से हम लोगों को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के खुद से ले लेके आए. मेरे पास भी बोलने की, मेरे पास खत्म नहीं हो रहा. बट अच्छा दिख रहा है कितना जाएगी. सो या डे वन आफ्टर सो लॉन्ग, मैंने कम से कम 20 दिन के 20-25 दिन बाद गाड़ी निकाली होगी, एंड इट जस्ट फेल्ट सो गुड. तो आई डिड ड्राइव अभी तक का मेरा सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. तो मैं नॉर्मली जब गाड़ी निकालती हूँ सुबह भी, आई ड्राइव अराउंड थोड़ा बहुत, बट मैंने बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं कवर किया. सो आई लिव इन हैदराबाद, आई डिड गो टू लाइक Sheikh Paid का हाईवे विच इज़ लाइक रियली फार फ्रॉम माई प्लेस. हम लोगों ने लाइक सिर्फ जाना 14 किलोमीटर था और आना 14 किलोमीटर रहा होगा, तो लाइक इन टोटल 28 किलोमीटर्स, विच वॉज सो गुड. सुबह सुबह था, बहुत ट्रैफिक नहीं था, बट इट जस्ट फेल्ट सो गुड बाकी गाड़ियों के साथ चलाते हुए. देयर वर ट्रक्स, देयर वर लॉरीज, और
देर वर प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक था, देर वर प्लेसेस जहाँ कम ट्रैफिक था, देर वर प्लेसेस जहाँ के टर्न्स डिफ़िकल्ट थी। बट आई रियलाइज्ड कि जाते समय मुझे थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी, बट आते टाइम पर जैसे मैंने जाते समय मेरी स्पीड थी ऐसे 20 के भी नीचे, और आते टाइम पे लाइक अ नॉर्मल स्पीड 30-40 के करीब थी, विच इज गुड। आई वाज प्रीटी हैप्पी एंड पार्किंग भी ठीक से हो गई। तो डे वन एंड आई होप आई एम जस्ट गोना गेट बेटर। और राइट, इट्स बीन 3 days और मैं ड्राइविंग के लिए बाहर नहीं गई हूँ। आई एम गोइंग आउट टू ड्राइव आफ्टर लाइक 3 days अभी, बट इट्स अराउंड 5। तो दोपहर में मैंने गाड़ी बहुत बहुत लंबे टाइम से नहीं चलाई है। दिस इज़ गोना बी अ चैलेंज, बट लेट्स डू दैट। आई एम गोना ड्राइव दोपहर में ताकि आई गेट यूज टू थोड़ा बहुत ट्रैफिक एंड विल सी हाउ इट गोज। इट्स जस्ट वेरी स्कैरी। नाउ स्टेप 2 वाज टू ड्राइव इन द ट्रैफिक। तो मैंने अपने आप को एक छोटा डिस्टेंस दिया 3-4 kilometers का, एंड आई ट्राई ड्राइविंग इट रेगुलर ट्रैफिक के साथ। एंड एट दिस पॉइंट आई रियली फील लाइक सिंगिंग आई एम अनस्टॉपेबल, I'm a Porsche with no break। So, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा डिस्टेंस कवर करें, बट रेगुलर ट्रैफिक के साथ थोड़ा डिस्टेंस कवर करने पे वी विल जस्ट गेट यूज टू, विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू द ट्रैफिक। सो दैट इज व्हाट आई ट्राई डूइंग हियर। राइट, आई एम बैक फ्रॉम ड्राइविंग एंड मे बी चश्मे निकाल देती हूँ, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना। सो हाउ इज इट? इट वाज प्रीटी गुड। हम पहले पानीपुरी खाने गए थे, उसके बाद गन्ने का जूस पीने गए थे, उसके बाद हमने एक बड़ा सा ट्रॉल लिया ट्रैफिक में और फिर घर आ गए। इट वॉज प्रीटी गुड। सबसे पहली जगह व्हेन वी वेंट फॉर पानीपुरी थोड़ा सा पार्किंग इशू हुआ। सेकंड प्लेस पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स आई फॉरगेट हैंड ब्रेक को नीचे करना, थोड़ा सा भूल जाती हूँ, कभी यूज़ टू होने थोड़ा टाइम लगेगा। बट अदर देन दैट इट वॉज गुड। मैंने दोपहर में इतनी ट्रैफिक के साथ पहली बार गाड़ी चलाई, इट वॉज प्रीटी गुड। एंड हमने दूर तक राउंड लिया, देयर वर लॉरीज, ट्रक्स, बसेस, एवरीथिंग, एंड आई वॉज एबल टू ड्राइव। लाइक पीपल वर लिटरली लाइक यू नो रोड क्रॉस करे आराम से टहलते टहलते, वॉज अनॉइंग बट आई एम लर्निंग। सो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था, वापस आके पार्किंग भी अच्छे से हो गई। Right, hello. So it's been 5 days मैंने गाड़ी नहीं निकाली है। The last drive was good, but I'm realizing बहुत लंबा गैप आने के साथ साथ I just start getting scared and because it's 5 days now, मैं बहुत डरी हूँ। But I have to go to some family function and I've never really used गाड़ी for you know कहीं आना है कहीं जाना है। मैंने गाड़ी पर शुरू से लाल सिर्फ प्रैक्टिस ही किया है। So परसों की राइड के बाद आई थिंक आई कैन ड्राइव ट्रैफिक में भी, सो आई एम गोना गो। अरे बहुत दूर नहीं जाना है, बट आई थिंक आफ्टर अटेंडिंग द फैमिली फंक्शन हम जूस वूस पीने चले जाएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम वेरी स्कैर्ड अगेन। आई थिंक अपने डर से लड़ने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं गाड़ी रेगुलरली चलाऊँ। दैट्स वन थिंग दैट आई हैव टू स्टार्ट डूइंग, लाइक मे बी एवरी डे और एवरी अदर डे। So I told you guys right, so I have to go to a relative's place function के लिए, तो I'm gonna take my family, सबको drive करके वहाँ पर। And this is actually like the first or second time I'm taking them, all of them together and bringing them back. So how is it? It was scary. Now I live in Hyderabad and I live in Old City. Now if you're Hyderabad you know what Old City is. If you're not, तो like reference के लिए चांदनी चौक, you know चांदनी चौक की streets लाइक कोई movie में देखी तो कैसे भरी हुई streets होती है and ऐसे किच किच। So that's how Old City में it is. And driving here is pretty tough because people don't follow traffic rules and everything. So पहली बार तो हम पहुँचे, आप एक्सीलेटर दबा ही नहीं सकते हो, ब्रेक दबा के जाते रहो क्योंकि पूरा टाइम हर जगह सब कुछ ब्लॉक है, ट्रैफिक है, कोई भी कहीं से भी आ रहा है कहीं से भी जा रहा है। एंड देन उसके बाद पार्किंग की जगह नहीं है तो मेरे को काफ़ी दूर, ये तो हर जगह का मसला है कि पार्किंग की जगह नहीं होती, तो काफ़ी दूर कोई कॉर्नर में को घूमना पड़ा फॉर पार्किंग। फिर फाइनली गाड़ी पार्क की और निकलते टाइम पे भी लाइक काफ़ी ऐसे बहुत ही ऐसे मच्छी बाजार जैसा ट्रैफिक, एक से पास हुई एक ऐसे लड़ लड़ के सारी गाड़ियाँ जा रही है।
बहरहाल आई एम हैप्पी दैट आई वाज सो स्केयर्ड दैट आई फेल्ट दैट आई कांट एवर डू दैट बट आई डिड ट्राई सो आई डिड ट्राई व्हेन आई टुक देम आई गॉट देम बैक एंड आई डिडंट फील लाइक यू नो हमें से नहीं हो रहा है दिस पॉइंट मैं गाड़ी यही छोड़ के जा रही हूँ आई यूज टू थिंक लाइक दैट बिफोर बट नाउ लाइक नहीं आई हैव टू डू इट राइट सो फाइनली मैं दिन में ड्राइव कर रही हूँ लंबी ड्राइव एक्चुअली आई एम गोना गो टू IKEA टुडे आई जस्ट केम टू पिक माई फ्रेंड एंड मैंने यहाँ तक सही ड्राइव किया एंड इट वाज इन बैड थोड़े टर्न्स एंड चीज़ों में प्रॉब्लम थी बट लेट्स सी IKEA इज लाइक रियली फार फ्रॉम माई प्लेस आई एम गोना टेल यू हाउ इट गोस सो स्टेप 4 है डिस्टेंस प्लस ट्रैफिक सो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और उसके साथ साथ ट्रैफिक में ज़्यादा ड्राइव करेंगे नाउ दिस ड्राइव इज़ लाइक अ बम्पर ऑफर फॉर मी बिकॉज में मैंने तीन चीज़ें कवर अप की मैंने ज़्यादा डिस्टेंस भी लिया ज़्यादा ट्रैफिक में भी ड्राइव किया और उसके अलावा मैंने कभी भी ऐसे शॉपिंग के लिए गाड़ी लेकर नहीं निकली हूँ मैंने हमेशा जब निकली हूँ ड्राइविंग प्रैक्टिस करने निकली हूँ तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैं शॉपिंग करने या कोई पर्पज से अपनी गाड़ी बाहर लेकर निकल रही थी 20 किलोमीटर्स जाना और 20 किलोमीटर्स वापस आना 40 किलोमीटर्स टोटल एंड इट जस्ट फेल्ट अमेजिंग कि मैंने खुद से ड्राइव कर मैं लेकर गई शॉपिंग के लिए मैंने पार्किंग की और मैं गाड़ी वापस लेकर आया आई वाज सो प्राउड ऑफ myself. सो अब हमें जब ठीक ठाक गाड़ी चलानी आ गई है हम ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैफिक भी कवर कर पा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप 5 रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करो जब तक स्पेशली आपका डर नहीं निकलता इट्स ओके इफ आगे चलकर आप को जब गाड़ी अच्छे से चलानी आ गई और आपके मन में कोई डर नहीं है तो आप फिर जब भी रिक्वायर्ड हो तब निकालो एंड स्टफ बट जब तक डर है पुश योरसेल्फ डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो ज़्यादा ट्रैफिक में ड्राइव करने की कोशिश करो नाउ दिस इज अ क्लिप फ्रॉम मी ड्राइविंग इन रमज़ान रमज़ान में ओल्ड सिटी का मार्केट खचाखच भरा होता है देर आर पीपल देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक और जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ बीच में एक बारात भी थी सो देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स आप हर बार सोचो कि आप पूरी तरीके से सब कुछ सीख गए हो बट दिस गना बी समथिंग न्यू दैट यू एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस से ही आप गलतियां कर कभी सीखोगे या कभी कभार यू नो यू गना बी ग्रेट एट समथिंग सो इट्स ओके वॉट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप ट्राइंग एंड ट्राई ओवरकमिंग द फियर एंड दैट इज इट हियर आई एंड दिस ड्राइविंग जर्नी It was fun recording everything. It really helped me stay motivated जब मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की and it was helpful क्योंकि I was able to push myself. Hello, so finally it's that time when I'm like sort of comfortable with driving. I'm actually here. I drove और मैं अपने सारे रिश्तेदारों के पास इफ्तारी देने गए एंड आई वॉज लाइक प्रोएक्टिवली मैंने खुद बोला चलो कार में जाते हैं जस्ट हेल्प डिस्ट्रीब्यूटिंग इफ्तारी एंड इट जस्ट मेक्स द जॉब ईजी क्योंकि सारा सब कुछ रखने आसानी होती है एंड आई फील आई एम सॉर्ट ऑफ एट दिस पॉइंट वेयर आई एम नॉट वेरी वेरी स्कैर्ड अबाउट ड्राइविंग व्हिच फील्स गुड सो वी डिड डिस्ट्रीब्यूट अ कपल ऑफ पैकेट्स देयर सम लेफ्ट मैं लॉक करूँ ऑलराइट बाय Again, so I just thought कि ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं एंड कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और दिस समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू सो ये सारा स्टेप बाई स्टेप जर्नी आई होप दिस हेल्प्स यू जब मैंने ये स्टार्ट किया था आई वॉज रियली स्केर्ड बहुत डरी हुई थी देर वॉज स्लीपलेस नाइट्स एंड एनजाइटी महसूस होती थी इट वॉज लाइक द बिगेस्ट फियर सबके लिए अलग लेवल की चीज़ हो सकती है ड्राइविंग बट ये ऐसी चीज़ थी जो मैं ओवरकम करना चाह रही थी और मैं डर की वजह से नहीं कर पा रही थी सो आई जस्ट होप दिस हेल्प्स यू गाइज इसके अलावा एक बात बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि ये सारा प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे सब कुछ अच्छा ही हो सकता है कभी कभार यू हैव बैड एक्सपीरियंसेस बट इसका ये मतलब नहीं है दैट यू स्टॉप इसका मतलब है टेक अ ब्रीदर एंड स्टार्ट अगेन यू गोना डू गुड ऐसा नहीं है कि हर बार सब कुछ परफेक्ट होगा कितनी बार ऐसा होता है कि पीपल हु आर लाइक रियल गुड ड्राइवर्स उनसे भी गलतियाँ होती है आई सैट विद पीपल जो बहुत अच्छे हैं ड्राइविंग में इज व्हाट दे टेल मी बट व्हेन दे आर ड्राइविंग They make mistakes. So it's okay. No one of us is perfect. It's important to keep trying. Regularly try karo jab tak dar lagta hai. And you're gonna overcome your fear. Baby steps, ek ke baad ek. Appreciate yourself when you do something.
and don't be hard on yourself. Give yourself some time and you're gonna get through this. Bye for now.